भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, भारत माता की। आज की इस विशाल चुनावी सभा में हम सब के मध्य विराजमान भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष भाई समीर मोहंती जी आज की इस सभा को और गरिमा प्रदान करने के लिए दिल्ली से चलकर हम सब के बीच में पधारे भारत सरकार के रेल मंत्री माननीय श्री अश्विनी वैष्णव जी, हमारे पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता और जुझारू सांसद आदरणीय बसंत पांडा जी, आदरणीय संगीता सिंह जी देव, आदरणीय सुरेश पुजारी जी, नेता प्रतिपक्ष जयनारायण मिश्रा जी, और जिनके लिए हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं, ऐसे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हमारे प्रदीप पुरोहित जी और इस सभा में उपस्थित सभी इस क्षेत्र के हमारे बहनों भाइयों और पत्रकार मित्रों, 5 तारीख को चुनाव संपन्न होने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने प्रदीप पुरोहित जी को अपना उम्मीदवार बनाया है। प्रदीप पुरोहित जी आपके लिए नए नहीं है, पहले भी आपने उनको अपना विधायक चुना, विधायक तो आप सबने पहले और भी कई चुने होंगे, लेकिन प्रदीप पुरोहित जी ऐसे विधायक थे जिन्होंने उड़ीसा की विधानसभा में सर्वश्रेष्ठ विधायक का पुरस्कार जीतकर आप सबका नाम रोशन करने का काम किया, आप सबका मान बढ़ाने का काम किया। आज भारतीय जनता पार्टी ने फिर से उनको अपना उम्मीदवार बनाया है। मैं इस सभा में जो उत्साह देख रहा हूं, प्रदीप पुरोहित जी जो बोल रहे थे उस समय आप सबकी सहमति और समर्थन देख रहा हूं, उसके आधार पर यह विश्वास पूर्वक कह सकता हूं कि 5 तारीख को मतदान कमल के पक्ष में होगा और जब चुनाव का परिणाम आएगा तो भारतीय जनता पार्टी का कमल जीतेगा और प्रदीप पुरोहित जी इस क्षेत्र से विधायक बनेंगे। बंधुओं, आप सब के आशीर्वाद से आज देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। उड़ीसा हमारा पिछड़ा हुआ प्रांत है, बड़ी आबादी गरीब भाइयों और बहनों की है, बड़ी आबादी मजदूर भाइयों की है, लेकिन आप सब ने अनुभव किया होगा जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं उन्होंने गांव गरीब और किसान की चिंता की है। आज उड़ीसा में गांव में गरीबों को आवास मिल रहा है तो वो प्रधानमंत्री आवास नरेंद्र मोदी जी के द्वारा दिया जा रहा है। आज गरीब मजदूर भाई और बहन को रोजगार मिल रहा है तो वो मनरेगा योजना में पैसा नरेंद्र मोदी जी के द्वारा दिया जा रहा है। पिछले वर्षों में हर घर में शौचालय बनाने का अगर काम हुआ तो नरेंद्र मोदी जी ने पैसा दिया।
हर घर में उज्ज्वला योजना के माध्यम से गैस का सिलेंडर पहुंचाने का काम किया तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से हर किसान के खाते में 6000 रुपया जमा किए जा रहे हैं तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं। हर गांव में सड़क बनाई जा रही है, यह प्रधानमंत्री सड़क है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार हर गांव में सड़क भेजने का काम कर रही है। गांव के लोगों को साफ पानी मिले, गांव के लोगों को स्वच्छ पीने का पानी मिले, इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने जल जीवन मिशन संचालित किया है और उससे गांव के जीवन स्तर में बदलाव आने का क्रम प्रारंभ हुआ है। हमारे देश में किसान की आमदनी बढ़े, किसान महंगी फसलों की ओर जाए, किसान टेक्नोलॉजी का उपयोग करे और किसान को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जैसा सुरक्षा कवच मिले। भाई और बहनों, मैं आप सब लोगों को यह बताना चाहता हूं, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इस योजना के माध्यम से जहां जहां देश में किसानों का नुकसान हुआ है वहां के किसानों को इस योजना के माध्यम से 1,24,000 करोड़ रुपया किसानों के खाते में जमा करके उनके नुकसान की भरपाई करने का प्रयास किया है। मुझे बताया गया यहाँ पर राज्य सरकार और पार्टी के कार्यकर्ता प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के मामले में दुष्प्रचार करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं यह जानता हूं कि उड़ीसा में राज्य सरकार के लोग के काम करने की गति धीमी है, इसलिए जो हक गांव गरीब और किसान को मिलना चाहिए उसमें देरी होती है, लेकिन बहुत ही चतुराई से बीजेडी के कार्यकर्ता इसको केंद्र सरकार पर ढालने की कोशिश करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का पैसा मोदी सरकार अपने हिस्से का देती है, लेकिन कंपनियों के टेंडर राज्य सरकार के द्वारा ही किए जाते हैं। जब आपका नुकसान होता है, चाहे बाढ़ आए, चाहे सूखा आए, चाहे और अन्य कोई परिस्थिति बने, उस परिस्थिति में राज्य सरकार को ही सर्वे करके अपना दावा प्रस्तुत करना होता है। अभी कुछ ही दिन पहले मेरे पास बसंत पांडा जी भी आए थे, आपके धर्मेंद्र प्रधान जी जो हमारे मानव संसाधन मंत्री हैं वो भी आए थे और बहुत सारे कार्यकर्ता भी आए थे कि राज्य सरकार कह रही है कि केंद्र सरकार से पैसा नहीं आया। मैंने उनको लिखकर भेजा कि केंद्र सरकार अपने हिस्से का पूरा पैसा दे चुकी है, लेकिन बीजेडी के कार्यकर्ता लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे कि चुनाव में केंद्र सरकार पर आरोप लगे। मैं आप सब लोगों को ये कहने के लिए आया हूं, आपके प्रधानमंत्री फसल बीमा का पैसा राज्य सरकार के पास जमा है, राज्य सरकार पर आप दबाव डालेंगे, राज्य सरकार पैसे को रिलीज करेगी, केंद्र सरकार अपनी तरफ से पूरा पैसा रिलीज करके राज्य सरकार को भेज चुकी है। मैं इस अवसर पर आप सब लोगों को यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस बात को जानते हैं, आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, गांव में बदलाव आ रहा है, शहर में बदलाव आ रहा है, नौजवानों को रोजगार मिल रहा है, महिलाओं का सशक्तिकरण हो रहा है। आज राष्ट्रीय आजीविका परियोजना स्व सहायता समूह के माध्यम से गांव गांव में बहनों को रोजगार देने का काम मोदी सरकार के द्वारा हो रहा है। आज केंद्र में भाजपा की सरकार है, अगर राज्य में भी भाजपा की सरकार होती
तो ये काम और तेजी के साथ दौड़ रहा होता। आज मोदी जी ने लगातार देश का इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारने की भी कोशिश की है। रेल परियोजनाओं पर काम बहुत धीमी गति से होता है। आज रेल मंत्री हमारे बीच में बैठे हुए, रेल मंत्री उड़ीसा के ही है, और उड़ीसा को ज्यादा से ज्यादा रेल मिले इसका भी प्रबंध रेल मंत्री और मोदी सरकार के द्वारा किया जा रहा है। हालांकि ये उपचुनाव है, एक चुनाव जीतने और हारने से सरकार बनती बिगड़ती नहीं है, लेकिन मैं आप सबको कहना चाहता हूं कि चुनाव छोटा हो या बड़ा, चुनाव एक सीट का हो या दो सीट का, जीत और हार का संदेश तो जाता ही है। जहां जहां देश में राज्य सरकार और केंद्र सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, वहां विकास की दौड़ बहुत तेजी के साथ आगे चल रही है। अगर यहां भी डबल इंजन की सरकार होती तो ये तकलीफ आपको भोगना नहीं पड़ती। प्रधानमंत्री फसल बीमा का पैसा आज राज्य शासन के खजाने में नहीं होता, आपके खाते में जमा कर दिया गया होता। आज बीजेडी की सरकार है, इसीलिए परेशानी इस क्षेत्र के किसान भाइयों और बहनों को भुगतनी पड़ रही है। 5 तारीख को निर्वाचन संपन्न होने जा रहा है। प्रदीप पुरोहित जी आपके बीच में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं। मैं आप सबको प्रार्थना करना चाहता हूं, प्रदीप पुरोहित जी को आपका आशीर्वाद मिले, आपका समर्थन मिले, आपका प्यार मिले। प्रदीप पुरोहित जी जीत कर जब उड़ीसा की विधानसभा में जाएंगे तो आने वाले कल के लिए संदेश जाएगा कि बीजेडी जा रही है और भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन वाली सरकार आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद।